सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका 20 लीग के सेमीफाइनल 2 यानी कि क्वालिफायर नंबर 2 के मैच के बारे में, जहां पे डर्बन सुपर जायंट और जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। वैसे तो आप सभी दर्शकों को बता दूं कि जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम कल ऑलरेडी पाल रॉयल को हरा करके आज सेमीफाइनल 2 खेलने वाली है, और इस मैच की पूरी एनालिसिस और साथ ही साथ मैच और टॉस प्रेडिक्शंस भी आप सभी के साथ लेकर के आ चुका हूं। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि आज का मुकाबला आखिरकार किस मैदान पे खेला जाएगा, वहां की पिच रिपोर्ट कैसी होगी, दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म कैसा है और क्या कंडीशंस होगी, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप सभी को चलिए बता दूं कि इस वक्त अगर बात करेंगे तो आज का मुकाबला दोस्तों उसी मैदान पे खेला जाएगा जिस मैदान पे कल एलिमिनेटर मैच हुआ था। आपने कल देखा होगा जोबर्ग सुपर किंग्स और पार्ल रॉयल के बीच में कल मैच खेला गया था, वहीं उसी मैदान पे आज का भी मुकाबला खेला जाएगा। यानी कि दोस्तों वेंडरस स्टेडियम जोहानसबर्ग से आप लोग लाइव देखेंगे। ओवरऑल पिच की रिपोर्ट बैटिंग वाली है, गेंदबाजों में पेसर्स को मदद मिलेगा। पेसर्स को इसलिए मदद मिलेगा क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में 65% विकेट पेसर्स को मिली है, 35% विकेट स्पिनर्स को मिली है। तो अगर आप लोग ड्रीम 11 या फैंटेसी टीम्स बनाएंगे तो अपने टीम में तेज गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को जरूर शामिल कीजिएगा। इसी के साथ अगर ग्राउंड के दोस्तों कुछ एवरेज स्टैट्स और आंकड़े की बात करेंगे तो देख सकते हैं ये लास्ट 5 मैचेस के आंकड़े हैं, जो भी साउथ अफ्रीका लीग में खेला गया उन सबके मैचेस मिला करके जो स्टैट्स यहां पर निकल करके आए हैं दोस्तों, वो ये है कि एवरेज स्कोर 150 रन है फर्स्ट इनिंग की, सेकेंड इनिंग की 153 है। देखिए सेकेंड इनिंग के एवरेज स्कोर थोड़ा सा ज्यादा है, इसी वजह से दोस्तों जो टीम पहले गेंदबाजी यानी कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करती है उनकी जीतने की संभावना 60% है, और जो टीम पहले इनिंग में बैटिंग करती है उनकी जीतने की संभावना 40% है। बाकी इस ग्राउंड के अब तक की जो सबसे हाईएस्ट टोटल रही है यह है 209 रन, जो कि जोबर्ग की टीम डर्बन के सामने बनाई थी। यानी कि इस ग्राउंड पे ये दोनों टीम ऑलरेडी टकरा चुके हैं, और उस मैच में दोस्तों जोबर्ग की टीम हाईएस्ट 209 रन बनाई थी, और आज एक बार फिर से क्वालिफायर नंबर 2 में ये दोनों टीम आमने सामने होंगे। और आपको बता दूं इस ग्राउंड के दोस्तों अगर बात करेंगे फिलहाल वेदर रिपोर्ट के बारे में, तो वैसे तो आपने देखा कल के मैच में भी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ और आज भी वैसा ही है, आसमान में चमचमाती हुई धूप है। बारिश आने की केवल 2% संभावना है, वो भी नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर भी काफी बढ़िया 29 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर है, 40% ह्यूमिडिटी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की रीसेंट मैचेस के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि इस ग्राउंड पे जिस मैदान पे आज का मुकाबला वेंडरस स्टेडियम में खेला जाएगा, इस ग्राउंड के अगर पिछले कुछ मैचेस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये देखिए जो दोस्तों जो लास्ट के 3 मैचेस इस मैदान पे खेले गए हैं उनमें से जो पिछला मुकाबला यानी कि जो कल एलिमिनेटर नंबर 1 हुआ था वहां पर आपने देखा कि पहले बैटिंग करते हुए पार्ल रॉयल की टीम 138 पे ही ऑल आउट हो गई, जबकि सेकेंड इनिंग में जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम केवल 1 विकेट गवाते हुए मात्र 13 ओवर और 2 गेंदों में रन को चेज करके जीत हासिल कर ली। उससे पहले वाला मैच में भी दोस्तों आप लोग देखेंगे तो जोबर्ग की सुपर किंग्स और डर्बन की टीम आमने सामने थी, डर्बन की टीम 203 रन जो है बना पाई 20 ओवर में, जबकि जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम मात्र 19 ओवर और 5 गेंदों में 209 रन बना ली थी, और यहां पर भी जोबर्ग सुपर किंग्स को ही जीत मिला था। उससे पहले दोस्तों खैर ये लो स्कोरिंग मैच था और रेन अफेक्टेड भी था, और आप लोग देख हालांकि माफ कीजिएगा रेन अफेक्टेड नहीं बल्कि लो स्कोरिंग मैच था, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं कि जोबर्ग की टीम पहले बैटिंग करते हुए 78 पे आउट हो गई थी, जबकि 11 ओवर में सनराइजर्स की टीम रन को चेज कर ली थी। यानी कि अगर आंकड़े दोस्तों आप लोग देखेंगे तो एक चीज यहां पर यह देखने लायक है कि पहले तो देखिए लास्ट के 3 मैचेस जो इस मैदान पर खेले गए हैं उनमें से 2 मुकाबले में जोबर्ग सुपर किंग्स को ही जीत मिला है, उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो जो टीम पहले बैटिंग की है अक्सर वो ऑल आउट होते हुए ही नजर आई हैं। जैसे कि पिछले मैच की बात कर लें तो यहां पे 138 पे आउट हो गई थी टीम, उसके बाद दोस्तों ये जो मुकाबला हुआ था यहां पर भी 78 पे जोबर्ग की टीम आउट हो गई थी। यानी कि एक तो बात बिल्कुल साफ है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनको मतलब हारना ऐसा कंफर्म तो नहीं है लेकिन जीतने की संभावना काफी कम हो जाती है, और जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी उनकी जीतने की संभावना काफी ज्यादा रहने वाली है। और दूसरी चीज ये कि जोबर्ग सुपर किंग्स को टीम मतलब ये जो टीम है दोस्तों इनको इस मैदान पे खेलना बहुत पसंद
पसंद है क्योंकि ये इनका ही होम ग्राउंड है और अपने होम ग्राउंड पे इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। तो ये रही दोस्तों फिलहाल इस मतलब ग्राउंड के बारे में, लेकिन चलिए बात करते हैं अब दोनों टीमों के बारे में। तो आपको बता दूं अगर दोनों टीमों के रिसेंट मैचेस की ही बात कर लें तो जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम आपने जानते हैं पिछला मुकाबला जीत करके आ रही है। उससे पहले दोस्तों अगर देखेंगे तो ओवरऑल 5 मैचेस में 3 मुकाबले जीती हैं, 2 मैचेस हारी हैं। जबकि डर्बन की जो टीम है दोस्तों, खैर इनका भी आंकड़ा कुछ वैसा ही है, ये भी 3 मैचेस जीती हैं, 2 मुकाबले हारी है। बस फर्क दोस्तों इतना है कि जोबर्ग की टीम लास्ट के 2 मैचेस जीत करके आ रही है जबकि डर्बन की टीम लास्ट के 2 मैचेस हार करके आ रही है। यानी कि रिसेंट मामले में अभी भी डर्बन को थोड़ा सा वापसी और स्ट्रांग कमबैक करने की जरूरत रहेगी, और आज कमबैक नहीं बल्कि वार करना होगा क्योंकि आज करो या मरो की लड़ाई भैया जी, जो जीतेगा वही फाइनल खेलेगा और जो हारेगा वो सीधा घर चले जाएगा। इसलिए देखते हैं क्या होगा आज किस मैच में। और उससे पहले दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड के बारे में। तो आपको बता दूं सीजन वैसे अब तक 2 ही सीजन खेले गए हैं और दोनों सीजन में ये दोनों टीम कुल मिलाकर के 4 बार आमने सामने टकराई हैं, जिनमें से 3 बार दोस्तों जोबर्ग सुपर किंग्स को ही जीत मिला है, केवल एक बार डर्बन की टीम जीत पाई है। यानी कि हेड टू हेड के मामले में भी जोबर्ग का पल्ला भारी है, इनका ही होम ग्राउंड है और इनकी ही परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। यानी कि जोबर्ग की फिलहाल अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो इनको जीतने की संभावना काफी ज्यादा लग रही है आज के इस मैच में स्टैट्स के हिसाब से। बाकी दोस्तों जब ये दोनों टीम आमने सामने टकराए हैं, अगर उन्हीं कुछ मैचेस की बात कर लें तो देख सकते हैं दोस्तों ये लास्ट के जो 4 मैचेस मैंने आपको बताए हैं उनकी पूरी स्टैट्स यहां पर दी गई हैं। 2023 में 2 मैचेस हुए थे और 2024 में 2 मैचेस जो ये दोनों टीम आमने सामने टकरा चुकी हैं। हालांकि इन सभी मैचेस को दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज आप लोग देखेंगे तो पिछले सीजन में खैर दोनों मैचेस जोबर्ग की टीम जीती थी, लेकिन इस सीजन 1 मुकाबला डर्बन जीती और 1 मुकाबला जोबर्ग की टीम जीती है। बाकी अगर स्कोर्स के ऊपर ध्यान देंगे तो 203 रन, 209 रन, 108, 145, 182, 172, 190 एंड 174। यानी कि ये वाला मुकाबला दोस्तों थोड़ा सा मतलब लो स्कोरिंग रहा था, बाकी ऑलमोस्ट हर मैच में इनकी जो स्कोर है वो काफ़ी हाई ही रही है। देख सकते हैं ऑलरेडी कम से कम 175 से ऊपर की ही स्कोर हर मैच में बनी है। यानी कि इन दोनों टीमों को आमने सामने जब होते हैं तो बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। साथ ही साथ दोस्तों चलिए अब आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा कि आज की प्रिडिक्शंस क्या रहने वाली है। तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, आज फिलहाल जो टॉस की प्रिडिक्शंस रहने वाली है ये है जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम। जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम आज के इस मैच में टॉस को विन कर सकती है। बाकी मैच की जो फाइनल प्रिडिक्शंस रहेगी ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, यानी कि टॉस होने के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया टॉस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जो भी टीम टॉस को जीतेगी लगभग 80-90% चांस है कि वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला लेगी। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को जो मैच के प्रिडिक्शन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी आप लोग भी हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से आज के इस मैच में कौन सी टीम टॉस या कौन सी टीम मैच को विन कर सकती है। बाकी दोस्तों आपसे शाम को मुलाकात होगी सीधा टेलीग्राम चैनल पे। तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको दे दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।